नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, अग्निपथ योजना का अब सीधा असर पॉलिटिकल पार्टियों पर पड़ रहा है, उनके कार्यक्रम पर पड़ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना में, जो कल क्षत्रिय समाज की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे पटना में पोस्टर्स लगे हुए जिसमें तमाम जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, चाहे वो वशिष्ठ नारायण सिंह हो, जेडीयू के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम जितने नेताओं की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो, तमाम लोगों के चेहरे वाले पोस्टर्स पूरे पटना में लगा दिए गए थे। क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का कल आयोजन होना था पटना के बापू सभागार में, लेकिन सेना बहाली की प्रक्रिया में हुए बदलाव का ये जो असर दिख रहा है, छात्र आक्रोशित हैं सड़कों पर, कई जगहों पर आप देख रहे हैं हिंसा की खबरें निकल के आ रही हैं, कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, रेल में आग लगा दिया गया है, रेल के बोगियों में आग लगा दिया गया है। अब उसका असर सीधा इस कार्यक्रम पर पड़ा है, क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि का जो सम्मान समारोह होना था, एक बड़ा सम्मेलन होना था पटना में, उसे कैंसिल कर दिया गया है, उसे स्थगित कर दिया गया है फिलहाल। और अब ये कार्यक्रम के आने वाले कुछ दिनों के बाद होगा, क्योंकि फिलहाल माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर के कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई है। जेडीयू के तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार को साफ साफ कह दिया है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, यानी कि एक बार फिर से बीजेपी के साथ जो है वो जेडीयू नहीं दिख रही है इस एजेंडे पर, इस मुद्दे पर। और क्षत्रिय समाज का जो एक बड़ा कार्यक्रम होता है, यानी कि पूरे पटना में राजपूतों की आवाज़ गूंजती, जितने पंचायत प्रतिनिधि जीत कराए थे जो क्षत्रिय समाज के थे, वो पटना पहुंचते, एक बड़ा आयोजन होना था, लोगों के आने का सिलसिला शुरू भी हो गया था, एक बड़ा कार्यक्रम होना था, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी पटना के बापू सभागार में, तमाम जितने जेडीयू के बड़े नेता हैं, विधानसभा के मंत्री हैं, वो मौजूद रहते। और ऐसे में अब इस कार्यक्रम पर ग्रहण लग गया है सीधा सीधी अग्निपथ योजना को लेकर, जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश जो है वो भड़का हुआ है, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तैयारियां इतने हद तक की गई थी, जेडीयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दमखम के साथ कई जिलों में वो पहुंचे, दौरा किया, लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, संजय सिंह ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है, उसे कैंसिल कर दिया है फिलहाल। अब आगे किसी अलग दिन, किसी एक अच्छे दिन इसका जो समय होगा वो रखा जाएगा, ये कार्यक्रम कब होता है, क्योंकि देखिए खर्च अच्छा खासा किया गया था पूरे पटना में, आप समझ सकते हैं, जब पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं, लोगों के अवगत के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़े बड़े हॉल्स बुक किए गए थे, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। और अब क्षत्रिय पंचायत के जनप्रतिनिधि जितने हैं उनका सम्मान समारोह होना था, एक बड़ा कार्यक्रम होना था, आप समझ सकते हैं। देखिए, जातीय सम्मेलन जब होता है किसी भी जाति का, तो उसे तरजीह देने के लिए तमाम जितने नेता हैं उनका ध्यान उस पर रहता है, क्योंकि अगर वोट बैंक खिसका तो सीधा आने वाले समय में राजनीति पर उसका असर पड़ेगा। संजय सिंह जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, तमाम नेताओं के साथ वह कार्य कर रहे थे, चाहे वो मंत्री लेसी सिंह हो या फिर दिनेश सिंह हो, एमएलसी हो, पटना में भी जेडीयू के नेता छोटू सिंह ने अच्छी खासी मेहनत की, पोस्टर्स लगवाए, लेकिन कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है, ये कार्यक्रम नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया है। और अब आने वाले समय में इसका एक तिथि निर्धारित किया जाएगा, उस समय ही इस कार्यक्रम का आयोजन होगा फिर से। लेकिन फिलहाल अग्निपथ योजना के चलते कई सारे कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ रहा है, माहौल बिगड़ता जा रहा है, देखते हैं केंद्र सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।